नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के तुगलकाबाद में जहां एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जो आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 600 से 650 साल पुराना रविदास मंदिर, जो यहां पर 600 से 650 साल पुराना मंदिर है, स्थित है यहां पर। और उस टाइम में देखिए DDA भी स्थापित नहीं हुई थी, जो महकमा DDA का है वो भी स्थापित नहीं हुआ होगा, आप भी इसको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और DDA कह रही है कि हमारी ज़मीन है, उन्होंने केस डाला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जीत कर आ गए। क्यों? क्योंकि यह एक जाटो समाज ने जो मंदिर को स्थापित किया है, दलितों ने मंदिर को स्थापित किया है, और 650 साल पुराना मंदिर है, रविदास जी का मंदिर है, जिसके दोहे बोलकर आप दुनिया को समझाते हैं, आप एक क्रांति लाते हैं जिनके दोहे बोलकर, और एकता का जो है परिचय देते हैं, तो उस समानता का जो परिचय देते हैं उनके दोहों को ही सुनाकर आप देते हैं। मगर आज उनके मंदिर को जो है, उनके आश्रम को जो है, वो DDA ने प्रशासन द्वारा वो है तोड़ डाला, और दिलों में जो आग लगाई है, जो आज जो रोए हैं लोग यहाँ पर, जो अपने दलित लोग रोए हैं, क्योंकि इतना पुराना मंदिर, इतनी धरोहर को जो है क्षण भर में तोड़ दिया। देखिए आज 10 तारीख है और 9 तारीख को इनको नोटिस मिला है, और 10 तारीख को उस मंदिर को हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आकर वो तोड़ दिया गया। तो हमारे साथ में बलविंदर जी हैं, जिनकी रो रो कर मतलब इनका भी बुरा हाल था, और क्रांतिकारी है, शेर हैं, मगर आज पहली बार हमने रोते देखे हैं, बिलखते देखे हैं कि जो धरोहर, जो इतनी पुरानी धरोहर है, उसको तोड़ दिया गया क्षण भर में। और समाज, जो दलित समाज है, वो अपने घर में सोया हुआ है, वो निकला नहीं बाहर, और इसको देखकर ज़्यादा उनकी आँखें नम हैं। और हम बात करेंगे बलविंदर जी से। बलविंदर जी, ये हादसा जो, हम तो हादसा ही कहेंगे, क्योंकि इतनी पुरानी धरोहर को जो है एक भर में उजाड़ कर चले गए DDA डिपार्टमेंट, और ना कोई नेता कुछ कर पाया, ना कोई प्रशासन कुछ कर पाया, ना ही समाज के लोग कुछ कर पाए। जितने बड़े बड़े दल में संगठन चला रहे हैं लोग, वो भी निकल कर बाहर नहीं आए और वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो ये काम हुआ उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 19 तारीख को हमने दिल्ली बंद की कॉल दी है और सरकार को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है, जितने हथौड़े आपने मंदिर पर चढ़ाए उसका जवाब दिल्ली को देना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगा, अब तक हमने कभी उग्र प्रदर्शन पर बिलीव नहीं कर रहे थे, शांति से करते थे और लोगों ने उस आंदोलन को, ताकत को देखा है, लेकिन इस बार इनकी आग से खिलवाड़ इन्होंने कर लिया है, और जवाब ऐसा देंगे कि दिल्ली के इतिहास में लिखा जाएगा कि किसी रविदास मंदिर को तोड़कर, यानी हम रविदासियों की आत्मा को तोड़कर, आपने कितना बड़ा गुनाह किया। और मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री से एक बात कहूँगा, 19 तारीख को कृपया करके एक भी बस दिल्ली के अंदर ना चलाएं। दिल्ली के अंदर एक भी बस चली तो सड़कों पे आग जलेगी, ये मैं आपको साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ, और उसके बाद के जिम्मेदार आप होंगे। अब जब आग से आप लोगों ने खेल ही लिया है, उस तो उसे झेलने के लिए भी आप लोग तैयार रहें। सर, इसकी जो लड़ाई है, इसकी क्या कानून तरीके से नहीं लड़ी जा सकती? देखिए, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। पहली बात आप समझिए, कोई मंदिर 4 दिन पुराना नहीं था जिसे कब्जा करके क्या हो जी, 650 साल पुराना, जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। और रविदास समाज कभी भी, हम जब भी बात करते थे, कभी हमने उग्र प्रदर्शन नहीं किया, हमने कभी किसी चीज़ के लिए, हमने कभी अलग अनैतिक चीज़ों की बात नहीं करी। हमने कहा जो हमारा हक अधिकार है वो हमें दीजिए बस। उस संविधान में जब ये DDA पैदा भी नहीं हुआ था ना, जब इस देश की आज़ादी भी नहीं हुई थी, उससे पहला पुराना मंदिर है जिसे मुग़ल नहीं हटा पाए, जिसे अंग्रेज नहीं हटा पाए, उसे DDA ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी जी। और जो मिश्रा जी, मतलब उस टाइम में तो देखिए DDA की जो जन्म भी नहीं हुआ होगा DDA का। और इसमें देखिए मानसिकता, देखिए एक तरफ शाह साहब थे जज, जो सवर्ण जाति के आते हैं, और दूसरी तरफ मिश्रा साहब थे, वो भी सवर्ण जाति के आते हैं, वो हमारे मंदिरों की तरफ आँख उठाएंगे, और सरकार जाके वहाँ पुलिस, 2,500 पुलिस वाले खड़े करके मंदिर तोड़वा देगी।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इस समय मैं थोड़ा भावुक ज़रूर हूँ जी, लेकिन अंदर ज्वाला बहुत खतरनाक बन रही है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात खासकर अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों से भी आग्रह करूँगा, आज हमारा रविदास मंदिर टूटा है, कल आपका वाल्मीकि मंदिर भी आ सकता है जी। क्योंकि जब अभी पीछे वाल्मीकि मंदिर की तरफ आँख उठी थी, सब पूरे बहुजन समाज खड़ा था आपके साथ, आज जब रविदास मंदिर टूटा है तो क्या आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। और सिर्फ इतनी चेतावनी खासकर मैं सरकार को ही दूंगा, मैं आज किसी के नहीं कहूँगा, मैं बहुजन समाज के किसी नेता को कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, 19 तारीख की कॉल दे दी गई है और 19 तारीख को यदि दिल्ली की सड़कों पे बसें उतरेंगी तो इस दिल्ली में आग लगेगी, ये मैं बता रहा हूँ साफ शब्दों में। और अगर दुकान खुलेगी तो दुकानों में भी आग लगेगी। जो पुलिस को करना है करे, जितने केस बनाने बनाए, जितना हम पे हमें प्रताड़ित करना कर ले, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, तो देखिए इनका साफ साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है इस खेल को खेला गया है, जो इतना पुरानी धरोहर, इतना पुराना जो आश्रम था, मंदिर था दिल्ली के तुगलकाबाद में, क्योंकि ये देखिए आंखों में रड़कता है, ये जो लोगों की आंखों में रड़कता है कि दलित समाज के पास इतनी ज़मीन कहाँ से आ गई, इतने अच्छे जो मंदिर है और इतना अच्छा भी नहीं है, मैंने वीडियो में देखा है, मतलब इतना आलीशान मंदिर भी नहीं है, वो गरीबों का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन ऐतिहासिक मंदिर जो है वो धरोहर, वो अमूल्य होती है, उसका कोई मोल नहीं होता है। इसलिए जो है आज दलित समाज का जो है दिल रुष्ट है और बिल्कुल रोष है दलित समाज के अंदर, और दलित समाज के जितने भी ये चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा और आशा करूंगा, जो भी लड़ाई लड़नी है वो सब एक मिलकर होकर लड़िए, तभी आप लड़ाई जीत पाएंगे, वरना एक एक लड़ेंगे तो आप मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे, और ये भी हम लिख कर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एकता होगी तो ही आपके आगे कोई झुकेगा। ये चलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, मगर जो यहाँ की जो दिल्ली सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो भी इस पर संज्ञान ले सकती है, और जो धरोहर को जो उन्होंने तोड़ा है, जो बंद किया है, वहाँ पर सील लगा दी गई है, उसको वह फिर से चालू भी कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।